Hi guys, Saurabh Bhagat is here and you are watching my channel Mr. Photographer. And today is a lockdown is going on at Jharkhand and we have planned कि हम लोग चलते हैं और हमारे यहाँ पास में ही एक वाटरफॉल है जिसका नाम है बासकोला और ये नॉर्मल सा एक वाटरफॉल है, एक गड्ढा सा है, उसमें पानी गिरता है, अंदर से पानी आता है। देन आज मौसम भी काफ़ी क्लाउडी सी कर रखा है, रेनी डे है पूरा, झमाझम बारिश हो रही है, थोड़ा थोड़ा काफ़ी मज़ा आ रहा है। और लॉकडाउन जो है वो 36 घंटे के लिए झारखंड सरकार ने कर रखा है, तो हमने प्लान किया संडे भी है कि चलो यार एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी एक्सप्लोर कराते हैं। सो लेट्स गो। अभी जो हम लोग हैं अपने गांव से होते हुए इमली चौक वाले रास्ते से, इधर ये हिरनपुर आप देख सकते हो, यहाँ पे हिरनपुर है, मान लो जाता है ये रोड सीधे पाकुड़ निकल जाएगा, पाकुड़ झारखंड की ओर। और एक रास्ता है जो कि बासकोला वाटरफॉल, यहाँ पे आपको आप देख सकते हो वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे बासकोला गाँव, दुर्गापुर और इमली घाट लिखा हुआ है। तो ये मेरे हाथ में 360 कैमरा है, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो लेट्स गो ओवर देयर मैन। अभी हमें लगा कि हमें आपको दिखाना चाहिए ये चीज़ और बिहाइंड द सीन। तो अभी हम बस यहाँ पे 2 मिनट के लिए रुके जस्ट बिकॉज कि ये पेड़ का जो हमें एक गेट सा दिखा जो कि काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा था, ऊपर जो ऑर्गेजमिक आपको बादल दिख रहा है वहाँ पे कुछ पहाड़, यहाँ पे खेतों से पानी आ रहा है बारिश का, जिसके लिए हमने बोला कि यार रुकते हैं, मस्त एक दो फोटो खिंचवाते हैं, थंबनेल का भी काम आ जाएगा। एंड वन मोर टाइम लेट मी टेल यू कि ये जो 360 है मैं बस ये अभी उठा कर लेते हैं, एकदम बिल्कुल डिस्चार्ज था, मेरे को पता नहीं था, जबकि आप मेरे हाथ से देख रहे हो, तो अभी बस ये दिखाने का काम आ रहा है आपको, रेयरली कोई शॉट दिए यार 360। बहुत ज़्यादा दूर हम नहीं जा रहे थे जिसके वजह से पहनना चाहिए, पहने हाँ हेलमेट पहनना चाहिए, हम अपनी गलती हम एडमिट कर रहे हैं कि पहनना चाहिए। और जो रोड है वो पीसफुल था, और अभी जो है प्रिंस हमारे बाइक को चल और ये हम लोग पहाड़ की ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं, थोड़ी बस थोड़ी ही दूर पे एक बोलो ना, और ये इधर बस पानी नहीं है मैं भी पैदल ही चल रहा हूँ, बारिश का मौसम है तो पूरा रास्ता ख़राब हुआ पड़ा है, और बाइक पे हम लोग तीन लोग ट्रिपलिंग नहीं कर सकते इस रोड पे जस्ट बिकॉज ऑफ कि बाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रक कर रहा है और पंचर होने का भी बहुत ज़्यादा चांसेस होता है इन सब चीज़ों में। तो अभी अपने को एक अच्छा सा रोड मिल गया आगे, इतना थोड़ा दूर को क्रॉस करते हुए, तो अभी अपन उस रोड में जाके बैठेंगे और बस पास ही हम लोग पहुँच चुके हैं, अब पहुंचने के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं वाटरफॉल का नज़ारा। आई होप, हमने तो अभी कुछ पता वता नहीं करा है क्या सीन है वहाँ का, लेकिन मुझे पर्सनली महादेव पे भरोसा है कि जो भी दिखेगा कमाल दिखेगा। अभी प्रिंस जो है वो अपने उसको हमने छोड़ दिया ऐसे बाइक को ले जाने के लिए, और पीछे गोपू जो है वो डांस करते हुए जा रहा है, क्योंकि कोई ऐसा वीडियो ना हो जिसमें हमारा गोपू डांस ना करे, वो वीडियो एकदम इनकम्प्लीट होता है। और तुम्हें
काफी अच्छा। ट्रेन्स को हम लोगों ने रोका फिर से क्योंकि रोड जो है काफी, ये जो आप घर देख रहे हैं ये और जो वो मुगल है वो मुगल 5 साल पहले ही इस घर को बना कर गए हैं और वो मुगल के डुप्लीकेट है। पानी कहाँ से आता है किसी को पता नहीं, इसका मैं ड्रोन लेकर आऊँगा और वहाँ ड्रोन से मैं समझूंगा कहाँ पे से पानी इसका जो स्रोत है सोर्स है वो कहाँ पे है। लेकिन अभी आप देख सकते हो अंदर शिव जी का एक जोसेफ मालतो और सूरज मालतो जो कि यहाँ के लोकल निवासी हैं और वो हमें बताया था दादा थोड़ा सा सामने आ जाइए, मैं हमारा आवाज़ क्लियर आया क्योंकि वाटर फॉल का आवाज़ बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप पहले ये बताइए जो पानी है वो कहाँ से आता है। पानी आता है तो सांस से आता है, ऊपर जो पहाड़ है तो अभी मतलब ये पानी सूख जाता है कि ऊपर से आ रहा है जाता है मतलब यहाँ पे दो पानी का स्रोत है, एक तो जो ऊपर से आ रहा है और एक अंदर से आ रहा है। आप देखिए एक अंदर से आ रहा है और एक ऊपर से, तो अंदर से जो आता है वो हमेशा आता है और ऊपर से जो आता है ये कभी कभी सूख जाता है। और यहाँ पानी का जो प्रेशर है तो आप लोग कितने टाइम से ये इतना ही प्रोफेशनल नहीं था, बस हमने कैजुअली इसको शूट किया क्योंकि किसी बंदे ने इसका ब्लॉग बनाकर नहीं डाला है। तो हमने बोला चलो यार हम जाते हैं तो फ़ोन से ही शूट करते हैं, हम प्रिपेयर्ड नहीं थे बिल्कुल। तो अगर आपने इस ब्लॉग को यहाँ तक देख लिया तो थैंक यू सो मच गाइज, कीप मोटिवेटिंग कीप इंस्पायरिंग, पीस।